नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है इंडियन नेवी की तरफ से, और जिसमें स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर क्लेरिफिकेशन नेवी की तरफ से दिया गया है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले ही ये खबर निकली थी, इंडियन नेवी कुछ समय के लिए राफेल एम यानी के राफेल के मैरिन बैरेंट को कुछ समय के लिए लीज पर लेगी, लेकिन नेवी ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि वह राफेल को लीज पर नहीं लेने वाली है और वह स्वदेशी फाइटर जेट को ही प्राथमिकता देगी। और इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से भारत लड़ाकू विमान बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, और आखिरकार भारत ने LCA तेजस बनाया है, और LCA तेजस इतना भी एडवांस नहीं है कि वह भारत की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, और यही वजह थी कि भारत ने फ्रांस के राफेल विमान की खरीद की थी। हालांकि तेजस के आने वाले वेरिएंट को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जा रहा है, और अगर हम बात करें नौसेना की, तो नौसेना को भी एक डेक बेस्ड फाइटर जेट की तलाश थी, और ऐसे में नौसेना ने इसके लिए टेंडर भी जारी किया था, लेकिन भारत अपने खुद के स्वदेशी डेक बेस्ड फाइटर का कॉन्सेप्ट लेकर सामने आया, तो नौसेना ने इस टेंडर को फिलहाल विराम दे दिया था और स्वदेशी फाइटर जेट पर भरोसा जताया था। हालांकि बीते साल भारत ने भी इस डेक बेस्ड लड़ाकू विमान को मंजूरी दे दी थी, और ये फाइटर जेट था भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया जाने वाला TDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हालांकि इसको बनने में अभी थोड़ा समय है, और इसीलिए बीच में ये खबरें निकल कर आ रही थी कि भारतीय नौसेना इन लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस से राफेल एम लीज पर लेगी, और ये खबर बहुत ही तेजी से फैल रही थी। और इसी खबर को देखते हुए भारतीय नौसेना ने ये क्लियर किया है कि राफेल एम को लीज पर लेने का उनका कोई भी प्लान नहीं है, और ये मात्र एक अफवाह थी। भारतीय नौसेना राफेल एम नहीं बल्कि अपने स्वदेशी TDBF को लेकर कॉन्फिडेंट है। हालांकि नौसेना के अधिकारियों से जब ये पूछा गया कि अभी मौजूदा समय में TDBF का क्या पोजीशन है, तो उनका कहना है कि इस लड़ाकू विमान के दोनों प्रपोज्ड मॉडल के विंग टनल टेस्ट चल रहे हैं, और वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिए जाएंगे, और उसके बाद नौसेना डिसाइड करेगी इसका कौन सा वेरिएंट भारतीय नौसेना को चाहिए। और HAL 3 से 4 सालों में TDBF का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट करने की प्लानिंग कर रही है, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि नौसेना के लिए बनाए जा रहे इस लड़ाकू विमान में ज़्यादातर कंपोनेंट LCA तेजस जेट के ही होने वाले हैं, और इसीलिए TDBF को ट्रैक से फिर से डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना आज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वह आने वाले 5 से 6 सालों में HAL इन लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। और जब स्वदेशी रूप से बना हुआ एक अच्छा खासा लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना को मिलेगा, तो वह अब एक विदेशी विकल्प की तरफ क्यों जाए। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो भारतीय नौसेना का जो स्टैंड रहा है वो काफी क्लियर रहा है, और यह हमें एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने की तरफ तो लेके जाएगा ही, साथ ही हमारे बेड़े में स्वदेशी लड़ाकू विमानों के आने से हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।